तो दोस्तों अब जल्द ही टाटा केमिकल्स हमारे देश में ही लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रहा है इन धोलेरा सिटी जो कि गुजरात में लोकेटेड है। तो ये वीडियो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग सेंटर्स, रिसाइकलिंग, पार्टनरशिप्स, प्रोडक्ट्स और फ्यूचर गोल्स के बारे में। तो बिना वक्त गवाए लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि लिथियम आयन सेल्स को ही डेवलप करना एक काफ़ी क्रिटिकल स्टेप है और यहाँ पर इंडिया में लगभग 90% ऑफ लिथियम आयन सेल्स को हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं एंड रेस्ट कम्स फ्रॉम ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान। और इसके वजह से हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर खर्च हो जा रहे हैं। तो अब जल्द ही टाटा की वजह से हम हमारे देश में ही इन सेल्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, साथ ही में इसकी कॉस्ट भी कम होने की आशंका जताई जा रही है। तो अब इस प्लांट के लिए टाटा को 126 एकड़ की जमीन मिली है इन धोलेरा सिटी। और कई लोगों को पता नहीं होगा कि धोलेरा सिटी कहां पर है, तो ये एक काफी स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है इन गुजरात एंड स्टिल इट इज इन कंस्ट्रक्शन स्टेजेस और ये 2040 तक पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगी। तो अब यहां पर टाटा यूनियन गवर्नमेंट की PLI स्कीम का पूरी तरह से बेनिफिट लेते हुए इंडिया का बिगेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाएगा इन गुजरात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हें फिलहाल लैंड दिया गया है 126 एकर्स का इन धोलेरा सिटी और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव्स, सेल्स और बैटरीज का काम किया जाएगा। इनिशियली यहाँ पर कंपनी का कहना है कि वो स्टार्टिंग के फेज में पहले 2 GW के प्लांट को बनाएगा और यहाँ पर वो लगभग 1000 करोड़ रुपीज खर्च करेगा। फिर उसके बाद वो फ्यूचर में इसे इंक्रीज कर देगा बाय 10 GW और ओवरऑल यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट निकल के आ रही है वो लगभग 4500 करोड़ के लगभग की होगी। तो अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा कुछ सालों पहले कि इसरो ने लिथियम आयन सेल्स को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है और उसने टाटा को इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी किया था। तो अब यहाँ पर कंपनी ने इंडिया के R&D सेंटर्स लाइक इसरो, CSIR, CECRI, CMET इनके साथ पार्टनरशिप की है और यहाँ पर वो डेवलप करेंगे एक्टिव सेल्स और रिसाइक्लिंग प्लांट्स को। इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट और लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी एक टाइप किया है फॉर कंटेम्प्रेरी कमर्शियल सेल्स ग्लोबल R&D लैब्स के लिए, जहाँ पर वो नेक्स्ट जनरेशन कटिंग एच टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए काफी एफिशियंट सेल्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अब बात करते हैं इंजीनियरिंग सेंटर्स की। तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी एक बैटरी इंजीनियरिंग सेंटर को एस्टैब्लिश किया है इन पुणे इन कोलैबोरेशन विद टाटा टेक्नोलॉजीज और इस इनोवेशन सेंटर में साइंटिस्ट इंटेंस मेहनत कर रहे हैं ऑन मल्टीपल केमिस्ट्रीज, जहाँ पर एक्टिव सेल डिजाइन और एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर विकसित करना है। यहाँ पर बात करें रिसाइकलिंग की, तो टाटा ने यहाँ पर काफी स्ट्रांग कैपेबिलिटी हासिल की है इन केमिस्ट्री और टाटा ने अपने कुछ प्लांट्स को भी स्टार्ट किया है जहाँ पर रिसाइकलिंग ऑपरेशंस के तहत वो जो की एलिमेंट्स हैं इन फॉर्म ऑफ कोबाल्ट, सल्फेट और लिथियम कार्बोनेट्स, तो उनको वो रिकवर कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रोडक्ट की बात है तो टाटा कुछ 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और 4-व्हीलर ऑटोमोटिव कंपनी के साथ क्लोजली काम कर रहा है, जिसके चलते एज पर जो मॉडिफिकेशंस होंगे इन बैटरी डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में तो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा सके। तो अब बात आती है कि टाटा ने धोलेरा को ही क्यों चुना। तो कई लोगों को पता नहीं होगा लेकिन इस धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क आने वाले समय में स्थापित किया जाएगा। फिलहाल की बात करें तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर पार्क लोकेटेड है राजस्थान के बादला में, जिसकी कुल कैपेसिटी है 2.25 गीगावाट की। लेकिन धोलेरा सिटी में जो सोलर पार्क को बनाया जाएगा तो इसकी कैपेसिटी तो दुगनी यानी कि अ मैसिव ऑफ 5 GW की होने वाली है। इसके साथ ही एक और चीज जो धोलेरा सिटी ने इस कंपनी को अट्रैक्ट किया है तो वो है लो पावर टैरिफ। यहाँ पर बता दें कि जो सप्लाई पावर है इन धोलेरा सिटी इट इज एज लो एज 4.65 रुपीज पर यूनिट, विच नाउ डेफिनेटली मेक सेंस कि ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो डेफिनेटली अगर ऐसी सिटीज में बनाए जाए तो उन्हें भी काफी प्रॉफिट होगा। और फाइनली फ्यूचर स्कोप की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि इस क्षेत्र में कंपनी का एक काफी यूनिक एबिलिटी मौजूद है इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, जहाँ पर एक्टिव मटेरियल से लेके सेल और बैटरी मैन्युफैक्चरर और फाइनली इसके रिसाइकलिंग तक लेकर यहाँ पर एक काफी सस्टेनेबल सॉल्यूशन टाटा डेवलप कर सकता है और इसे इंप्लीमेंट भी कर सकता है। और फाइनली कंपनी भी चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत वो इंडिया के जो भी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करे, साथ ही में बाहर के देशों को भी ये एक्सपोर्ट करे इन टाइप के सेल्स को, जिससे एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही साथ ही में जो भी ट्रेड डेफिशिएट है वो भी कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगा। तो आई थिंक PLI स्कीम के तहत न केवल टाटा बल्कि और भी कंपनीज ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को जल्द ही इंडिया में सेटअप कर सकती हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। मिलेंगे दोबारा एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।